If n is a natural number greater than 1 and a is equal to root of n plus 1 upon n, root of n plus 4 upon n plus 3, root of n plus 7 upon n plus 6, root of n plus 10 upon n plus 9, root of n plus 13 upon n plus 12, and b is 1 upon root of n minus 1 plus 1 upon root of n plus 1 upon root of n plus 5 and so on, तो हमें a और b में कंपेयर करना है. तो सबसे पहले मैं a की फर्स्ट टर्म देखता हूँ. यहाँ पे है n plus 1, यहाँ पे है n, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है n minus 1. तो एक चीज तो मुझे पता है, वो क्या, कि जो n square minus 1 होता है, ये क्या होता है, always less than n square होता है, अगर n natural number है. तो indirectly अगर मैं देखूंगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं, है ना, स्क्वायर रूट, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में, कि स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन हो जाएगा. एन नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव आएगा. अब इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन, ये वैल्यू आ जाएगी लेस देन एन. तो अब अगर मैं क्या करूं, एन को इधर लाके डिवाइड कर दू, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रूट ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेस देन वन अपॉन रूट ऑफ एन माइनस वन हो गया. लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन. अब दोनों की सेकंड टर्म को नोटिस करता हूँ. तो एक चीज मुझे पता है, यहाँ पे टर्म है एन प्लस फोर, यहाँ पे है एन प्लस टू, और एन प्लस फोर और एन प्लस टू का एरिथमेटिक मीन क्या होता है, एन प्लस थ्री. तो अगर हम देखेंगे n प्लस फोर इंटू एन प्लस टू का जो प्रोडक्ट होगा, ये ऑलवेज लेस देन होगा किससे, n प्लस थ्री के स्क्वायर से, क्योंकि हमें पता है x इंटू वाई, अगर हमें पता है कि x प्लस वाई कुछ कॉन्स्टेंट होता है, तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, वेन x इज इक्वल टू वाई. तो सेम कॉन्सेप्ट से अगर हम देखेंगे, हमारे पास दो नंबर है जिनका सम हमें पता है कि 2n प्लस 6 है, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों सेम होंगे, तो n प्लस थ्री, इसलिए n प्लस फोर इंटू एन प्लस टू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी. अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, n प्लस फोर इंटू एन प्लस टू, ये हो जाएगा लेस देन n प्लस थ्री. अब रूट ऑफ n प्लस फोर के नीचे n प्लस थ्री, तो डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे. तो जैसे ही डिवाइड करूंगा क्या आएगा मेरे पास में, रूट ऑफ n प्लस फोर अपॉन n प्लस थ्री is less than, क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 upon root of n plus 2, ठीक है. तो ये हमारे पास में आ गया equation number 2. अब अगर मैं third term देखूं, तो इस वाले केस में क्या होगा, n plus 5 into n plus 7 का product क्या हो जाएगा, n plus 6 के square से कम हो जाएगा. तो अब की बार term बनेगी हमारी कुछ ऐसी, कि n plus 5 into n plus 7, ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा हमारे पास में n प्लस 6 के स्क्वायर से. और फिर सेम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेकर के हमारे पास में जो रिलेशन आएगा, अब की बार क्या आ जाएगा, वो हमें चाहिए n प्लस 7 के नीचे n प्लस 6, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 7 अपॉन n प्लस 6 इज लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 5 आ जाएगा. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3. ऐसे ही फोर्थ वाली टर्म के लिए देखूंगा, तो क्या आ जाएगा, यहां से आएगा मेरे पास में कि n प्लस 8 इंटू एन प्लस 10 का जो प्रोडक्ट है मेरे पास में, वो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा n प्लस 9 के स्क्वायर से. तो यहां भी दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा, और फिर मेरे पास में जो टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रूट ऑफ n प्लस 10 अपॉन n प्लस 9, उस पर यहां 10 है, ये वैल्यू आ जाएगी क्या हमारे पास में, लेस देन 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस 8 से. ये आ गई इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 5 के लिए क्या होगा हमारे पास में, अब 13 और 11 को कंसीडर करेंगे. तो यहां पे आ जाएगी इक्वेशन कि n प्लस 11 इंटू n प्लस 13, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में लेस देन n प्लस 12 का स्क्वायर. ओके, फिर सेम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से हमारे पास में, लगा n प्लस 13 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 13 अपॉन n प्लस 12, ये वैल्यू जाएगी लेस देन 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस 11. तो अब ये हमारे पास में 5 इक्वेशंस है, ठीक है, 5 इक्वेशंस है. अब अगर मैं इन सब इक्वेशंस को ऐड करूं, तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, यहां है मेरे पास में रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन n, तो मेरे पास में क्या बनेगा, इससे आएगा रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन n,
फिर सेकंड इक्वेशन से आएगा रूट ऑफ एन प्लस फोर अपॉन एन प्लस थ्री, फिर आएगा एन प्लस सेवन अपॉन सिक्स. तो मैं लिखता हूँ एक बार, रूट ऑफ, मैंने सारी इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो आएगा रूट ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन, फिर आएगा प्लस में रूट ऑफ एन प्लस फोर अपॉन एन प्लस थ्री, फिर आएगा प्लस में रूट ऑफ एन प्लस सेवन अपॉन एन प्लस सिक्स, फिर है रूट में एन प्लस टेन अपॉन एन प्लस नाइन, फिर है प्लस में रूट ऑफ एन प्लस थर्टीन अपॉन एन प्लस ट्वेल्व. ये वैल्यू हमारे पास में क्या है, लेस देन. इस साइड में क्या है हमारे पास में, वन अपॉन रूट ऑफ एन माइनस वन एन प्लस टू, तो आ जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एन प्लस टू, प्लस में वन अपॉन रूट ऑफ एन प्लस फाइव, प्लस में वन अपॉन रूट ऑफ एन प्लस एट, फिर है प्लस में वन अपॉन रूट ऑफ एन प्लस इलेवन. अब इनडायरेक्टली ये वैल्यू हमारे पास में ए के इक्वल है और नीचे वाली दूसरी वाली बी के इक्वल है, तो जगह ए इज लेस देन बी. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज लेस देन बी. तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट. ओके.